बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। टुडे इज अवर वीडियो फॉर क्लास 7 चैप्टर 13 है, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है एंड एक्सरसाइज 13A है। क्वेश्चन 4 इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स 60। अब हमें सबसे पहले 60 का एंगल ड्रा करना है। सबसे पहले जब भी हमें कोई एंगल ड्रा करना है, अब कुछ बच्चे जो है वो प्रोट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, हालांकि ये जो है वो करेक्ट वे नहीं होता। आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, कंस्ट्रक्शन का मतलब है आप इसको प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक लाइन ड्रा करनी है, वो भी अप्रोक्सीमेटली हम कितनी भी लगा सकते हैं, जितनी हमें रिक्वायर है हम उसके अकॉर्डिंग। इसमें कोई बाउंड नहीं है कि आप कितनी आप लाइन ड्रा करें, 5K लगाएं, 7K लगाएं, 8K लगाएं, कोई नहीं है इसमें बाउंड। तो आप जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अब मैं यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, और ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर तक जो है वो लाइन ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है वो लाइन ड्रा कर दी, थोड़ी सी डार्क भी कर रही हूँ। ये हो गई हमारी लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट हो गई। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब इनको नेम भी दे देते हैं। नेम में आप कुछ भी इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं ए बी, ठीक है, ए बी हमने रख लिया। अब आपने जब भी 60 का एंगल ड्रा करना है, 60 के एंगल के लिए आपने कंपास लेनी है, ठीक है, और उसका कुछ रेडियस ओपन कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, सूटेबल रेडियस ओपन कर लिया हमने। अब क्या करना है, अब आपने ये जो बी है थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। जो बी है, ठीक है, उस पर आपने टिप रखनी है और ऑलमोस्ट सेमी सर्कल एक ऐसी आर्क लगानी है जो ए बी को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। इसका मतलब है बी ए पे ये वाली आर्क जो सूटेबल रेडियस रख के हमने लगाई है वो किसी एक पॉइंट पे कट करी है, उसे हम दे देते हैं नेम पी का, ठीक है, पी का नेम दे दिया ये पॉइंट को। अब मैंने रेडियस को चेंज नहीं किया। जब भी आपने 60 का एंगल बनाना है, बहुत ज़्यादा इजी है, आपने सिंपल क्या किया, एक सूटेबल रेडियस ओपन किया, बी पे आर्क रखी और एक सेमी सर्कल लगा दिया, एक आर्क लगाई जो कि बी और ए को पी पे कट कर रहा है, ठीक है। अब आपने सेम रेडियस रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अब आपने जो न्यू पॉइंट आया ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको सेंटर रखना है और सेम रेडियस को रखते हुए आपने एक आर्क लगानी है जो कि पहली आर्क को किसी एक और नए पॉइंट पर कट कर रही है। तो इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं क्यू, ठीक है, क्यू नेम दे दिया। बस इतना जो है ना समझने की बात है, उसके बाद हमारा जो काम है वो बहुत इजी है। अब क्या करना है, अब आपने करना है जी बी और क्यू को साथ साथ अटैच कर देंगे और इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, ठीक है, इसको हमने कर दिया एक्सटेंड, यानी कि बढ़ा दिया, एक रे बन जाएगी ये। तो जी ये हमारा 60 का एंगल बन गया। यहाँ पे हम इसको लिख भी देंगे और इसको कोई नेम दे दें ए बी, और यहाँ पे आप सी नेम दे सकते हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, ताकि प्रॉपर नज़र आ जाए। सिंपल हमने काम किया, आप साथ साथ इसको कंस्ट्रक्शन इसकी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टेप्स लिखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, एक रे जो है वो ड्रा की थी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रा बी ए। अब जैसे हमने बी ए की तरफ रे ओपन की है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो रे ऊपर साइन लगाना है, ठीक है। अब सेकेंडली हमने क्या किया था, सेकेंडली हमने कोई सूटेबल सेंटर, सूटेबल रेडियस ओपन किया था, ठीक है, कंपास का, और बी को सेंटर रखा और एक आर्क लगाई जो कि बी ए को किसी एक पॉइंट पर पी पे कट कर रही थी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विद बी एज सेंटर्ड, मैं इसको हाईलाइट भी कर रही हूँ साथ साथ, बी एज सेंटर्ड विद सूटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क दैट कट्स बी ए एट पॉइंट पी, ठीक है, इतना हमने कर लिया। फिर नेक्स्टली हमने क्या किया था,
ये पी को सेंटर रखा था और सेम रेडियस के साथ एक और आर्क लगाई जो कि इस प्रीवियस आर्क को कट करी थी किसी एक पॉइंट पे क्यू पे। तो हम सेम वही काम करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे विथ पी एज सेंटर, पी एज सेंटर विथ सेम रेडियस ड्रा एन अदर आर्क आर्क दैट कट्स प्रीवियस आर्क आर्क एट पॉइंट क्यू। ठीक है, इतना हमने काम कर लिया। फिर हमने क्या किया था, बी और क्यू को हमने ज्वाइन किया था और उसे एक्सटेंड करके कहाँ पे तक ले गए, सी तक। तो अब हम सिंपली लिखेंगे ज्वाइन बी टू, यहाँ पे इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं, बी टू क्यू एंड एक्सटेंड एक्सटेंड दी जो हमारी लाइन सेगमेंट है बी क्यू टू सी, यानी कि हमने सी तक इसको एक्सटेंड कर दिया। और ये काम हमने इसलिए किया ताकि टू फॉर्म सी बी ए ठीक है। और यहाँ पे हम इसको एंगल का भी जो है वो साइन लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे था थोड़ी सी ट्रिक आपने ये यूज़ करनी है, अगर आप यहाँ पे लास्ट पे चाह रहे हैं ना कि ए बी सी लिखें तो आपने इसको बी और इसको सी का नेम देना है और यहाँ पे जो है वो आप ए इसके लिए छोड़ देंगे, ये जो हमने लाइन रे लगाई है इसको आप जो है वो ए का नेम देंगे, फिर आपका ए बी सी बन जाएगा। ऐसे ये भी ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे हम लिखेंगे सो एंगल सी बी ए इज इक्वल 60 इज रिक्वायर्ड एंगल। ठीक है, अच्छा जी, पहले हमने 60 का एंगल ड्रा किया, अब हमें बनाना है 90 का। तो 90 के लिए भी सिंपल, हमें एक लाइन ऐसी चाहिए जो सूटेबल होनी चाहिए, एग्जैक्ट लगेगी, लेकिन मैं आपको शो कराने के लिए इस पे लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारी हो गई है लाइंस रे, ये रे हो गई। ओके, अब हमने क्या करना है 90 का एंगल बनाने के लिए, सबसे पहले तो इनको नेम देंगे। अब नेम जो है वो यहाँ पे मैं बी और सी दे रही हूँ, इनको दूसरे तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं बी एंड सी। ठीक है, अब क्या करना है जी, आपने यहाँ पे इसको भी डार्क कर लेती हूँ। यहाँ पे आपने कंपास लेनी है, ठीक है, सूटेबल रेडियस ओपन करना है और बी को सेंटर रखना है। बी को सेंटर रखा और आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट सेमी सर्कल लगाना है, और सेमी सर्कल लगाने के बाद मतलब एक ऐसी आर्क लगानी है जो कि बी सी को किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है, जो कि हमारे पास क्या है पी। अब क्या करना है, अब सेम रेडियस रखा, जो हमारा रेडियस है उसको आपने चेंज नहीं करना, आप इसको इसी तरीके से यूज़ करेंगे। अब जो न्यू पॉइंट आया ना हमारा, ये पी वाला, ठीक है, इसको आपने सेंटर रखना है और जितना भी रेडियस है उस पर एक आर्क लगा देनी है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पॉइंट, एक और न्यू आ गया और इसको हम नेम देंगे क्यू का। ठीक है, जो 60 का एंगल हमने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ इतना काम करके उसको एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन 90 के एंगल में हम थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। सेम रेडियस है, कोई चेंजिंग नहीं है, जो हमने सेमी सर्कल बनाया उसी से हमने दूसरी आर्क लगाई, अब एक और आर्क लगाएंगे जो कि न्यू हमारे पास पॉइंट आया, न्यू आया उसको सेंटर रखते हुए हमने एक और फर्दर आर्क लगानी है जो कि उसी प्रीवियस आर्क को किसी एक और पॉइंट पे कट कर रही है, पी क्यू, आप यहाँ पे आर इसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इतना काम हो गया, अब आप कभी भी इसको ऐसे एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो फिर 120 का जो एंगल बन जाएगा, हमें 120 का नहीं चाहिए, हमें 90 का चाहिए। अब क्या करेंगे, तीन आर्क्स लगाएं सेम रेडियस के साथ, अब आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा दें, और ये जो दो हमारे पॉइंट ऊपर आपको टच होते हुए नज़र आ रहे हैं, या इनको आप तो इनको क्या कह सकते हैं, ईयर भी कह सकते हैं, इस आर्क के ये जो दो ईयर्स हैं ना, दो कान हैं, इनको आपने सेंटर रखते हुए एक ऊपर आर्क लगानी है, बल्कि दोनों ऊपर ही लगानी है और एक दूसरी ऐसे लगानी है जो कट कर रही है ऊपर वाली प्रीवियस आर्क को
किसी एक पॉइंट पे, ए बी, ठीक है, ए बी, और यहाँ पे आप इसको ए का नेम दे सकते हैं क्योंकि बी सी हमने लिख लिया। अच्छा, इस पॉइंट को आप कोई और नेम दे दें, एस दे दें। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। मैंने एस इसलिए दिया, मैं आपको बाद में इसकी रीज़न बताती हूँ कि एस क्यों दिया। इनको हमने क्या करना है जी, ज्वाइन कर देना। ज्वाइन किया और थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर दिया रे ए पे, रे ए, ठीक है ना। अब हमारा ये प्रॉपर बन गया ए बी सी एंगल, ठीक है। अब मैं आपको इस तरह करके भी दिखाती हूँ, अब देखने का जो सही मेथड है वो क्या है। ये जो आपको सेंटर नज़र आ रहा है ना, ये सेंटर इस बी पॉइंट पे बिल्कुल एग्जैक्टली होना चाहिए, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस लाइन के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली होनी चाहिए, तो तभी आपको पता चलेगा कि आपका एंगल कौन सा है। नहीं तो एक भी अगर आपका आगे पीछे हो गया तो जो है वो क्या होगा, आपका ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये देखें, आपको बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, ठीक हो गया। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे हमने किया वैसे वैसे इसके स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ड्रा की एक रे, ड्रा बी सी, और उसके ऊपर हम एक रे का साइन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा इतना काम तो हमने कर लिया। आप चाहें ना आप साथ साथ लिखें, साथ साथ लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने अभी ये काम किया है तो अब फिर इसकी ये कंस्ट्रक्शन लिखनी है, फिर फर्दर जो नेक्स्ट काम किया उसकी हम कंस्ट्रक्शन साथ ही लिख लेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, बी को सेंटर रखा था और कोई सूटेबल रेडियस ओपन करके हमने एक आर्क लगाई थी, ये बड़े वाली आर्क जिसे हम सेमी सर्कल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद बी एज सेंटर, एज सेंटर विद suitable radius draw an arc that cuts। अच्छा यहाँ पे इतना काम हमने कर लिया कि एक suitable radius को ओपन किया और B को सेंटर रखा और एक आर्क लगाई, that cuts BC at point P, that cuts BC at P, ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब थर्ड में क्या लिखेंगे, फिर सेम रेडियस P को सेंटर रखा, with P as center, with same radius, draw an arc that cuts P को center रखा और same radius रखा और एक arc लगाई that cuts previous arc at point Q, that cuts previous arc that, draw an arc that cuts previous arcs, अच्छा यहाँ पे आएगा at, बाय मिस्टेक लिखा गया, an arc that cuts previous arc at point Q। अच्छा इतना हमने काम कर लिया, फिर Q को सेंटर रखा और फिर सेम रेडियस के साथ एक आर्क लगाई जो कि प्रीवियस आर्क को कट करी थी R पे, फिर वही लिखेंगे विद Q as center, सेम वही लिखना है, बस ये P और Q जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट मैं फिर से लिख रही हूँ और बस P की जगह Q और Q की जगह, अच्छा सारी स्टेटमेंट मैंने वही लिख लिया क्योंकि दो दफ़ा ये काम किया था हमने, P को सेंटर रखा और Q आर्क लगाई, फिर Q को सेंटर रखा और R लगाई, तो ये दो हमने स्टेटमेंट लिखनी है। अब क्या किया था हमने, P और Q को, Q और R को जो है वो बारी बारी सेंटर रखा और टू आर्क्स लगाई जो कि एक दूसरे को कट करनी थी एस पॉइंट पे। तो यही चीज़ जो है वो मैं इंग्लिश स्टेटमेंट में लिख रही हूँ, विद Q and R as centers draw two arcs that cut that cuts each other at point S। अच्छा ये दो lines जो हैं अगर आप अलग अलग स्टेटमेंट में लिखेंगी ना तो आपका जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसके बेस्ट यही है कि आप एक ही स्टेप में इसे कवर करते हैं। सिक्स स्टेप हमारा क्या था, बी और एस को हमने अटैच कर दिया था, ज्वाइन ज्वाइन बी, ज्वाइन बी एंड एस, ठीक है, बी एंड एस, एंड एक्सटेंड बी एस। अच्छा यहाँ पे ना आप ये भी लिख सकते हैं बी एस टू ए,
यहाँ पे ज्वाइन बी टू एस भी लिख सकते हैं, ठीक है, एंड की जगह। तो बेस्ट ये कैप टू ही लिख रहे हैं। टू फॉर्म, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, टू फॉर्म ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल 90 इज द रिक्वायर्ड एंगल।